अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। विष्णुपुत्र चाणक्य। अहम ब्रह्मास्मि। ये अमात्य राक्षस का बनाया हुआ अद्भुत नरक है विष्णुगुप्त। पैर रखोगे तो चल जाओगे, पैर हटाओगे तो गले की रस्सी खिंच जाएगी और तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। संतुलन खोगे तो चलते हुए कोयलों पर गिरोगे और भस्म हो जाओगे। और इन सबसे बचने का प्रयास करोगे तो मेरे सैनिक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब तुम्हारे पास केवल एक ही मार्ग शेष है। शीघ्र बताओ कि सम्राट का धन तुमने कहां छिपा कर रखा है? कौन है वो जिसे तुम बचाना चाहते हो? मगध के विरुद्ध तुम कौन सा षड्यंत्र रच रहे हो? उत्तर दो। अहम ब्रह्मास्मि आत्मैव एवं सर्वम्। इन शब्दों का अर्थ याद है कि नहीं अमात्य राक्षस? या फिर धनानंद जैसे कुबुद्धि और पापी राजा के सानिध्य ने तुम्हें तुम्हारे शास्त्रों का ज्ञान भी भुलवा दिया है। अर्थात मैं ही अस्तित्व रचता हूं। बूंद जैसा सूक्ष्म भी हूं तो सागर जैसा विशाल भी। ये सत्य है, एक एक बूंद एकत्रित होकर ही सागर का निर्माण होता है। परंतु यह भी सत्य है कि एक बूंद के सूखने से सागर के अस्तित्व को नहीं मिटाया जा सकता। इसी प्रकार तुम्हारे द्वारा दी गई ये सभी यातनाएं मेरे नश्वर शरीर को तो घायल कर सकती परंतु मेरी आत्मा को छू भी नहीं सकती। तुम्हारे द्वारा दी गई सभी पीड़ाएं, सभी यातनाएं मेरी आत्मा को चोटिल नहीं कर सकती अमात्य राक्षस, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि। यही समस्या है तुम्हारी, यही। ब्रह्मा नहीं हो, ब्राह्मण हो, मनुष्य हो। और हर मनुष्य की एक सहन करने की सीमा होती है और जब वो पार हो जाती है तो उसका शरीर, उसका विश्वास, उसकी चेतना, उसकी आस टूट जाती है। मैं तुम्हें तुम्हारे सहन करने की शक्ति की सीमा तक पहुंचा कर रहूंगा विष्णुगुप्त चाणक्य। और क्षण दूर नहीं जब तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा आत्मज्ञान मेरे पैरों में गिरा होगा और तब मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारे परमपत्तों के बारे में। विष्णुगुप्त को इतनी पीड़ा दो कि क्षण क्षण ये अपने मृत्यु के बारे में सोचे। पीड़ा दो इसे। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। महान मित्र सेल्यूकस ने ये भेजा है वस्त्र और अनाज, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं। ये उपहार नहीं है, उपहास है मेरा, मेरे वर्चस्व का। वो मेरे प्रति सहानुभूति व्यक्त करना चाहता है क्योंकि मैंने अपना धन खो दिया। सम्राट, हमें सेल्यूकस के इस दुस्साहस का उत्तर देना ही होगा। ना ना, क्रोध तो दुर्बलों का आभूषण होता है भद्रसाल। इस समय हमें क्रोध के स्थान पर सेल्यूकस और सारे संसार को यह दिखाना होगा कि मैं अखंड हूं, अजय हूं, कि इतनी बड़ी हानि सहने के पश्चात भी मेरा वर्चस्व वैसे का वैसा ही है। एक सैन्य टुकड़ी एकत्रित करो भद्रसाल, मुझे एक विशेष घोषणा करनी है। चंद्र, मैंने कुछ सेवकों को सम्राट का रथ तैयार करते हुए देखा है और उनके बाहर जाने की अन्य व्यवस्थाएं भी हो रही है। चंद्र, कदाचित सम्राट कुछ दिनों के लिए महल से बाहर जा रहे हैं। क्या केवल सम्राट ही मुझे आचार्य के कारागार में उनसे भेंट करने की अनुमति दे सकते हैं? मुझे कुछ करना ही होगा। सम्राट धनानंद की जय, 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 सम्राट धनानंद की जय। अचानक सम्राट का महल से बाहर जाने का निर्णय लेना और अपनी सेना को यहाँ एकत्रित करना, सम्राट की मंशा क्या है? सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की। मगध के वीरों, महापूर्णिमा का पर्व शीघ्र आने वाला है और इसी शुभ दिन पर महान मगध भारत की सारी भूमि को अपना बनाने के लिए प्रस्थान करेगी। मगध अपने मित्र यवन सेल्यूकस के साथ मिलकर 15 जनपदों पर आक्रमण करेगी और उन्हें अपने अधिकार में ले लेगी। 15? आज से ठीक 1 माह पश्चात पूर्णिमा को धनानंद के विरुद्ध हमारी इस क्रांति के महायज्ञ का प्रथम समर शंख फूंका जाएगा। अर्थात जिस महापूर्णिमा की रात्रि आचार्य धनानंद के विरुद्ध क्रांति करने की योजना बना रहे हैं, उसी समय धनानंद भी सेल्यूकस के साथ मिलकर अपनी ये योजना आरंभ करेगा। मैं मगध सम्राट धनानंद स्वयं 2 दिन युद्ध शिविर का नेतृत्व और अवलोकन करूंगा, जहां हमारी सेना का प्रत्येक योद्धा अपनी युद्ध प्रतिभा की धार को बढ़ाएगा और आने वाले युद्ध के लिए स्वयं को सज्ज करेगा। जय सम्राट धनानंद की, 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 सम्राट धनानंद की। क्या पता चला उस चाणक्य से? कहाँ है मेरा धन महामाते? इसके विषय में पता लगाने में हम असमर्थ रहे मामे। आपका जो मैंने अपमान किया उसका उत्तरदायी है वो, आपकी शिखा कटने का उत्तरदायी है वो। यदि किसी ने इस ओर देखा तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। पीड़ा होती है ना, अपमान का शूल चुभता है ना महामात्य। क्या लाभ जब आप उस चाणक्य का मुंह खोल ही नहीं सकते तो। मामहिम, उस चाणक्य के शरीर पर सहस्त्र नरकों की पीड़ाएं दी मैंने, जो आज तक कोई व्यक्ति सहन नहीं कर पाया। कदाचित ऐसा लगता है कि उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा। परंतु आप निश्चिंत रहिए, आज नहीं तो कल उस चाणक्य को मेरे समक्ष और स्वीकार करनी होगी। मैं उसे तब तक पीड़ाएं देता रहूंगा मामहिम जब तक वो ये नहीं बता देता कि उसने आपका चुराया हुआ धन वहां छिपा कर रखा है। आचार्य की इस पीड़ा का उत्तरदायी मैं हूं। मेरे कारण उन्हें ही कष्ट सहना पड़ रहा है, किंतु अब नहीं। क्षमा करें सम्राट, मुझे लगता है कि अमात्य का प्रयास प्रशंसा की योग्य है, किंतु प्रभावशाली नहीं है। सम्राट, पहली बार मैंने चाणक्य का पता लगाने के लिए ब्राह्मण का वेश धरकर प्रयास किया, दूसरी बार मैंने उसे अपने छल से अपने जाल में बंदी बना लिया था। मेरे दोनों ही प्रयास सफल हुए, तो मुझे लगता है कि चाणक्य को सीधे प्रहार से नहीं बल्कि छल के वार से तोड़ना चाहिए। यदि अमात्य को कोई आपत्ति ना हो तो मैं उनकी सहायता करना चाहूंगा। परंतु अमात्य, अपने अहंकार के कारण आप उस चाणक्य से प्रतिशोध लेने का स्वर्ण अवसर गवा चुके हैं, किंतु मैं अपना धन नहीं गवाऊंगा। भद्रसाल सम्राट, अगले 2 दिनों तक इस दास को उस चाणक्य के पास जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। अगले 2 दिनों तक मैं युद्ध अभ्यास शिविर में रहूंगा। जो आगे सम्राट। और तुम जानते हो ना, जब मैं लौटू तो मुझे कैसा स्वागत चाहिए? आपको परिणाम मिल जाएगा सम्राट। सुना नहीं सेनापति जी, मुझे तुरंत चाणक्य के पास ले चलो। चलो। दाइमा, मैं चाहता हूं कि आप उस दास पर अपनी पैनी दृष्टि बनाए रखें। मैंने उसे चाणक्य का मुंह खोलने का दायित्व दिया है और मैं चाहता हूं कि उन दोनों के मध्य होने वाले वार्तालाप को आप पूरी तरह से जानें। एक एक शब्द का ज्ञान हो आपको। लेकिन सम्राट, वो चाणक्य तो कठोर कारावास में है। मैं वहां उस दास पर दृष्टि कैसे बनाए रख सकती हूँ? अगर मैं कारावास गई तो चाणक्य और वो दास दोनों ही सचेत हो जाएंगे। दाइमा, कई बार कान भी आंखों का काम करते हैं। जिस कारावास में चाणक्य है, उन दीवारों के कान है। आप उस कारावास के पास वाले कक्ष से उन दोनों के मध्य होने वाले वार्तालाप को सुन सकती हैं, क्योंकि उनमें से एक दीवार खोखली है। समझ गई सम्राट, आप चिंता ना करें। उस दास पर मेरी दृष्टि और कान दोनों ही बने रहे। एक बात और दाइमा, जैसे ही आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, आप सीधा मुझे संपर्क करेंगी। वो सूचना आप केवल मुझे देंगी और किसी को नहीं। जी सम्राट। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं धनानंद से आपका प्रतिकार अवश्य लूंगा। क्या हुआ दास? मैं यहां से अकेले जाना चाहता हूं। आशा है कि चाणक्य से पूछताछ करने में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। कतई नहीं। आचार्य, आचार्य, मुझे क्षमा करें आचार्य, मेरे कारण आपको इतनी यातनाएं सहन करनी पड़ रही है। किंतु आप चिंता न करें आचार्य, मैं शीघ्र ही आपको यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। परिणाम चाहे जो भी हो, किंतु अपने कर्तव्यों से मैं एक और महान व्यक्ति को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। अभी कुछ क्षण पूर्व ही मैंने तिथिराज के शव को ले जाते हुए देखा था, किंतु वो मैं आपके साथ दोहराने नहीं दूंगा आचार्य। इससे पहले कि धनानंद आपके भाग्य में भी कोई ऐसी भयानक मृत्यु लिख दे, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल लूंगा आचार्य। चंद्रगुप्त आवेश में आकर की गई भूल को उन्हें आवेश में आकर और बढ़ाओ मत, कोई मूर्खता मत कर बैठना। यदि तुम वास्तविकता में मुझसे क्षमा चाहते हो तो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना। धनानंद से मगध को मुक्त करने के लिए तुम्हारा मगध के सिंहासन पर आसीन होना अत्यावश्यक है। सम्राट को ज्ञात ही नहीं उन्होंने आस्तीन में सांप पाला है। उनका सबसे प्रिय और विश्वस्त दास उनके विरुद्ध षड्यंत्र का मूल है। इतना तो मैं समझ गया हूं आचार्य कि मैं और मेरा लक्ष्य दोनों ही आपकी सहायता के बिना अधूरे हैं। बस आप मुक्त हो जाइए, फिर हम सब कुछ पालेंगे। धनानंद 2 दिन के लिए पाटलिपुर से बाहर है और यही उचित समय है आपकी मुक्ति के लिए। धनानंद पाटलिपुत्र में नहीं, जिस धनानंद के लिए धन से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं, वो इतनी बड़ी धन हानि के पश्चात कहा जा सकता है। और क्यों? उसने किसी सैन्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। 15 जनपदों पर आधिपत्य प्राप्त करने हेतु वो वहीं गया है। किंतु आचार्य, इस समय मेरा लक्ष्य केवल आपको इस बंदी गृह की यात्रा से मुक्त कराना। नहीं चंद्रगुप्त, जब मातृभूमि आतताइयों की मुट्ठी में हो तो किसी चाणक्य, किसी चंद्रगुप्त के प्राणों का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि धनानंद सेल्यूकस की सहायता से उन 15 जनपदों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हो गया तो फिर 100 चंद्रगुप्त और 100 चाणक्य मिलकर भी कभी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मेरे शरीर के ये घाव तो भर जाएंगे चंद्रगुप्त, परंतु ये दोनों मिलकर मातृभूमि पर जो आघात करेंगे उससे मातृभूमि कभी उबर नहीं पाएगी। धनानंद और सेल्यूकस की मित्रता अखंड भारत की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा संकट है। इनके बीच की इस मित्रता में अविश्वास की दरार डालनी होगी चंद्रगुप्त। सेल्यूकस को किसी भी प्रकार अपनी ओर करना होगा। किंतु उनकी मित्रता तो अत्यंत घनिष्ठ है। दोनों शक्ति के लोभी हैं और जिनके चरित्र में ये विकार होता है चंद्रगुप्त, उनके सभी संबंध क्षणभंगुर होते हैं। दोनों की ये घनिष्ठ मित्रता केवल दिखावे का आडंबर है। भीतर ही भीतर दोनों एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना रखते हैं। तभी तो इतनी बड़ी धन हानि के उपरांत धनानंद ने ये युद्ध प्रशिक्षण शिविर लगाया है ताकि सेल्यूकस को यह संदेश भेज सके कि वो अब भी शक्तिशाली है। वो तो ठीक है आचार्य, किंतु यदि हमने उन दोनों के मध्य अविश्वास की खाई बढ़ा भी थी तो उससे होगा क्या? हम सेल्यूकस की सेना का उपयोग धनानंद के विरुद्ध करेंगे। धनानंद को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। महापूर्णिमा की क्रांति को सफल करेंगे हम। तो यही कारण था 2 बार चाणक्य को बंदी बनाकर लाए। धनानंद के साथ विश्वासघात करने का दंड तुम्हें दाई मां देगी। किंतु आचार्य, यदि हमने सेल्यूकस की सेना की सहायता ली तो फिर आपके अखंड भारत के स्वप्न पूर्ण कैसे होगा? फिर धनानंद के स्थान पर सेल्यूकस आ जाएगा और फिर वो हमारा शत्रु बन जाएगा। सर्वनाशे संयुत्पन्न अर्ध त्याज्यति पंडिता, अर्थात जो संकट की घड़ी में भी आधा बचा ले वही ज्ञानी होता है। सेल्यूकस हमारा मित्र केवल तब तक है चंद्रगुप्त जब तक धनानंद हमारा शत्रु है। धनानंद के अंत के पश्चात सभी जनपदों को भी एकत्रित करना होगा और सेल्यूकस को भारत की सीमा से खदेड़ देंगे और उसके पश्चात समस्त अखंड भारत का केवल एक शासक, एक सम्राट होगा, पीपलीवन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा संदेह सही था। चंद्रगुप्त है पीपलीवान का राजकुमार, मूरा का पुत्र। अस्त्र और शस्त्र कितने भी घातक क्यों ना, परंतु यदि उन्हें समय समय पर धार ना लगाई जाए तो अपनी मारक क्षमता खो बैठते हैं। इसी प्रकार मानव मस्तिष्क और शरीर भी इस तलवार की भांति ही है। यदि समय समय पर मस्तिष्क के सामने उलझने ना आए तो वो कुंद होने लगता है। इसी प्रकार यदि शरीर श्रम करने का या कठिन चुनौतियों का सामना करने का अभ्यास खो दे तो बलहीन होने लगता है। इसलिए यदि जीवन में कठिन चुनौतियां आए तो उनसे मुंह मत मोड़ो, डटकर उनका सामना करो। यदि उनसे मुंह मोड़ा तो अपनी ही सुरक्षा से, अपने ही विकास से भी मुंह मोड़ बैठोगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। इस षड्यंत्र की सूचना सम्राट तक पहुंचाने में एक क्षण का विलंब भी। आचार्य, दाइमा को ज्ञात हो गया कि मैं पिपलीवन का राजकुमार हूँ। उन्होंने धनानंद को संदेश भिजवा दिया है और वो किसी भी क्षण यहाँ आता ही होगा।